पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने आरोपी शूटर संतोष जाधव और उसके सहयोगी नवनाथ सूर्यवंशी को धर दबोचा है। मूसेवाला हत्याकांड की जांच में जाधव और सूर्यवंशी के नाम सामने आए थे। दिल्ली और पंजाब सहित पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही थीं। पुणे ग्रामीण पुलिस ने भी अपनी तलाशी तेज कर दी थी। पिछले हफ्ते 2021 के हत्याकांड के बाद जाधव को पनाह देने के आरोप में सिद्धेश कामले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जाधव का पता लगाने के लिए पिछले हफ्ते कई टीमें गुजरात और राजस्थान भेजी थी। Our team in Gujarat, they investigated, they searched and did so many things there, and then they were able to find out these two people there in Bhuj. And now they have been brought to Pune. They have been taken into remand, and we'll now interrogate them, and then we'll find out what are their linkages with Bishnoi gang, what is their connection with the Moosewala murder. महाकाल से मिली सूचना के आधार पर जाधव और सूर्यवंशी को पकड़ा गया। तीनों लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़े हैं और मूसेवाला हत्याकांड में उनकी भूमिका होने का संदेह है। महाराष्ट्र के और भी लोग बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं, जिनकी पूरे भारत में मौजूदगी है। सूर्यवंशी महाराष्ट्र के सतारा जिले का रहने वाला है, लेकिन उनके पिता गुजरात में सेटल्ड हैं। सूर्यवंशी पर जाधव को पनाह देने का आरोप है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिश्नोई ग्रोह के सदस्य महाकाल को यहां मंचर थाने में दर्ज मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम भी बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए दिल्ली गई है, जो दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की हिरासत में है और जिसे मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड कहा जाता है। मुंबई पुलिस ने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और उनके अभिनेता बेटे सलमान खान को धमकी भरे पत्र के संबंध में भी महाकाल से पूछताछ की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है।